हास्ता ला वीस्ता, कैसे है मेरे बादाम पिस्ता। मैं हूँ मनु दिवारक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और यह लंबे वक्त तक चलेगा। वैसे हम सभी जानते हैं ना बाप बड़ा ना मैया, ना होली थी पीछे भैया सबसे बड़ा भैया। तो क्यों ना सरकार अनगिनत रुपए छाप दे। वैसे तो एक दिन ये लॉकडाउन का वक्त भी बीत जाएगा, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी भी सही हो जाएगी। लेकिन कभी सोचा है सरकार के पास खुद की नोट छापने की मशीन है, अपना इंक है, अपना ही लेबर है और अपने पेपर भी। वो जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती है? अगर सरकार अनगिनत नोट छाप दे तो क्या होगा? क्या ऐसा कुछ मानव इतिहास में पहले कभी हुआ है? एक बार में कितनी नोटें सर्कुलेशन में रहती हैं? और क्या यह हमारे देश और जनता के लिए फायदेमंद होगा? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बात। प्रिकॉशन, ये वीडियो बहुत मेहनत से पूरी तरह रिसर्च करके बनाई गई है और पूरी तरह सच्ची है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखना, क्योंकि आधा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये रुपया या पैसा क्या है। तो आसान शब्दों में, अभी जो भी रुपया हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिएट मनी होता है। कुछ सालों पहले तक हम कमोडिटी मनी यूज किया करते थे, मतलब सोने और चांदी के सिक्के, गाय या कोई और वैल्यूएबल चीज जिसका इस्तेमाल हम सामान एक्सचेंज या परचेस के लिए करते थे। आज के रुपए सिर्फ कागज मात्र है और उस कागज का कोई मोल नहीं है, लेकिन आरबीआई गवर्नर उस पर साइन कर चुके हैं, इसलिए उसकी एक वैल्यू हो जाती है, जिस वजह से हम कुछ भी खरीद या बेच पाते हैं। अगर आरबीआई गवर्नर 10 रुपए के नोट पर छाप दे कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, तब उस 10 रुपए के नोट की वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी। होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी करेंसी है या कौन सा पेपर है, उस पे एक अथॉरिटी के साइन होने के बाद उस चीज की एक कीमत हो जाती है। वहीं अगर हमारे पास 1 करोड़ भी क्यों ना हो और हम किसी सुनसान द्वीप में हो, तो 1 करोड़ क्या 50 करोड़ भी किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई लेन देन के लिए नहीं होगा। नोट की वैल्यू सिर्फ तभी तक है जब पूरी कम्युनिटी उसे उस वैल्यू की नजर से देखे, नहीं तो एक नोट सिर्फ कागज के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम लोग ये तो जानते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होते जा रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है क्या आपको मालूम है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भारत में रुपए की वैल्यू सरकार डिसाइड नहीं करती, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर था और यहाँ फिक्स्ड रेट सिस्टम चलता था, मतलब सरकार नोट की वैल्यू को बढ़ाती या डिवैल्यूएट करती थी। लेकिन फॉरेन ट्रेड को और बढ़ाने के लिए अक्सर ही हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ता था। और 1993 वो वक्त था जब फिक्स्ड रेट सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम को ला दिया गया। वैसे इस सिस्टम में रुपए की वैल्यू उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर बाजार, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट और भी बाकी कई चीजों पर निर्भर करती है। और तब से लेकर आज तक रुपया दिन ब दिन कमजोर ही होता जा रहा है और अभी 75 रुपए पे आके थम चुका है। वैसे मनी हाइस्ट वेब सीरीज का क्रेज तो हर जगह फैला है, जहाँ चोर सीधा रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में जाते हैं और नोट प्रिंट करके चुराने का प्लान करते हैं। वैसे वो रुपए को चुरा पाते हैं या नहीं ये बात की बात है, पर प्रिंट करने का यह तरीका जिम्बाब्वे ने भी प्रयोग किया और यह उनके लिए काफी मुसीबत भरा साबित हुआ। अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर सरकार अनगिनत नोट क्यों नहीं छाप देती। तो जितना सोना हमारे पास है और जितना फॉरेन रिजर्व आरबीआई के पास है, आरबीआई उतने के ही नोट इशू कर सकता है। इस बात से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि 1956 के बाद से 200 करोड़ रिजर्व आरबीआई को रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज शामिल होते हैं, जो कि मुख्यतः यूएस डॉलर ही होते हैं। अगर इससे ज्यादा के नोट आरबीआई इशू करता है तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, जैसा कि हमें जिम्बाब्वे, हंगरी या फिर और भी कई सारे देशों में देखने को मिल चुका है। जिम्बाब्वे में इवन 1 ट्रिलियन तक का नोट था, लेकिन उसकी वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले 1/10 भी नहीं थी। वैसे चलिए जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन के केस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि उन्होंने ज्यादा पैसे की लालच में क्या गलती करी और उससे पूरी देश को किस संकट से गुजरना पड़ा। तो 2007 में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की सरकार ने गरीबी हटाने के लिए इतनी नोट छाप दिए कि वहाँ पे करेंसी की वैल्यू कौड़ियों के भाव हो गई। और फिर हुआ ये कि अगर किसी को ब्रेड भी खरीदना होता था तो बैग भर भर कर नोटों को ले जाना पड़ता था। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब सभी लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि वो कुछ भी खरीद सकते थे, तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ गई, लेकिन चीजों की प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही रही, इसलिए सामान के दाम भी बढ़ गए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई तो मैं बता दूं कि मान लो एक जगह है जहां पर 40 लोग हैं और सिर्फ 10 स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। अभी तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही लोगों के पास प्रिंट ज्यादा करने की वजह से ज्यादा रुपए होने लगे, तो अब परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ गई और कार लिमिटेड है, इसलिए अब कार की दाम को और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि अगर लोगों के पास इवन 2 करोड़ भी है तो कार इससे ज्यादा महंगी कर दी जाएगी ताकि इसे लोग कम खरीदें।
और यही है इन्फ्लेशन या महंगाई। इसकी वजह से ब्लैक में खरीदने और बेचने जैसी चीजें शुरू हो जाती है। और हम सभी जानते हैं एक साल पहले तक प्याज जो कि सिर्फ 20 रुपए किलो बिकता है वो 200 से 250 रुपए किलो बिक रहा था। चलिए अब जानते हैं हाइपर इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि किस जगह कितनी इन्फ्लेशन रेट है और कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट जो कहीं भी होनी चाहिए वो है 1 से 3% और यूनाइटेड स्टेट में 2% है। वहीं दुनिया के कुछ टॉप देशों में यह रेट 1 से 5% के बीच है। लेकिन किसी देश में हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब वहाँ की इन्फ्लेशन रेट 50% से अधिक। क्या आप गेस कर सकते हो जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक पहुँची थी? तो एक वक्त के लिए इनकी इन्फ्लेशन रेट और महंगाई दर करीब 6.5 सेक्सटिलियन पहुँच गई थी। आप बस इतना समझ लो, इतनी ज्यादा कि 6.5 के साथ 22 जीरो ऐड करने पड़े, मतलब 6.5 000000। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वैसे किसी देश में अगर सामानों के दाम हर 23 साल में डबल होते हैं तो यह पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा हर 24 घंटे में हो रहा था। यहाँ तक कि $1 वहाँ इतने जिम्बाब्वे रुपयों के बराबर हो गया था। सरकार के लिए यह नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल हुआ। आखिरकार उन्होंने सारे नोटों को लीगल टेंडर होने से मना कर दिया। वैसे इन सब कांड से पहले जिम्बाब्वे में $1 की वैल्यू 1.4 जिम्बाब्वे डॉलर हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास खुद का कोई नोट भी नहीं है और वहाँ पर आज $US ही चलती है। वैसे किसी देश में कितने रुपए सर्कुलेशन में रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कमाई है और सीधा कहूँ तो GDP कितनी है। अगर सरकार इससे ज्यादा नोट छापती है तो फिर उन्हें महंगाई जैसी चीजों से गुजरना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि अनगिनत नोट छापना हमारे लिए फायदेमंद सौदा है या नहीं, तो जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि अनगिनत नोट छापने से कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई देश कितना शक्तिशाली है यह उसके नोट की वैल्यू से नहीं बल्कि उसके आयात निर्यात की क्षमता, GDP और प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। इसलिए जितना हो सके अपनी स्वदेशी चीजों को प्रमोट करें, उन्हीं का इस्तेमाल करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। वैसे अनगिनत नोट प्रिंट करना तो बुरा ख्याल था, पर कभी सोचा है क्या होगा अगर सभी लोगों में पैसों को बराबर बांट दिया जाए? मतलब ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो के एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे है आना। और हाँ मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।